बिना नंबर प्रमोट होंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। नमस्कार, मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता इज हेयर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत एक ग्रेट न्यूज है और हो सकता है कि आपके लिए खुशखबरी भी हो। चलिए इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है उसे जान लेते हैं। इस न्यूज के मेन हेडलाइंस क्या है, इसके मेन उल्लेखनीय बिंदु कौन से हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके इनसाइड स्टोरी की पड़ताल करेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यूजी और पीजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जब सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे तो उसके मार्क्स के औसत से मिलेंगे फर्स्ट ईयर के मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वन, जिन सब्जेक्ट के पेपर हो गए हैं सिर्फ उनमें नंबर मिलेंगे, जिन सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं हुए हैं उनमें स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रमोट किया जाएगा। तो ये बीएससी और एमएससी का जो प्रीवियस ईयर है या सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, उनके जो एग्जाम्स के बिहाफ पे उनको फाइनल ईयर का प्रमोशन ग्रांट होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेन एलिमेंट की, मेन न्यूज की। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, CSJM यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के अलावा सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का खाका तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक इन स्टूडेंट्स को बिना नंबर के ही प्रमोट किया जाएगा। जल्द ही यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी नियमावली जारी कर देगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी की ओर से एक कमेटी का गठन किया जाना है जो इस पर निर्णय लेगी। बीसी नीलिमा गुप्ता और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के बीच इस मामले में ऑनलाइन मीटिंग भी हो चुकी है। तो माना जाएगा फेल। कोविड-19 के कारण यूनिवर्सिटी में एग्जाम और रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है। शासन ने फाइनल ईयर का एग्जाम कराने और बाकी साल के एग्जाम को रद्द करते हुए स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का आदेश जारी किया है। यूनिवर्सिटी की ओर से अभी जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसमें कहा गया है कि जिन सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं उसके रिजल्ट नियमानुसार जारी किए जाएंगे। इसमें अगर कोई स्टूडेंट बैक पेपर के लिए एप्लीकेबल है तो उसे अगले सेशन के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स बैक पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है या अहर नहीं है और एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल है तो उससे फेल ही घोषित किया जाएगा। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसमें अंतिम निर्णय होना है। नेक्स्ट, दिए जाएंगे एवरेज नंबर। यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार ब्लूप्रिंट में तय किया गया है कि स्टूडेंट्स को एवरेज नंबर देकर प्रमोट किया जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट इन नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो अगले साल बैक पेपर में शामिल होकर अपने नंबर सुधार करने का प्रयास कर सकता है। नंबरों का निर्धारण थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग नंबरों के आधार पर होगा। लास्ट न्यूज, अगले साल बनेगी मार्कशीट। ब्लूप्रिंट में यूजी के पहले साल के स्टूडेंट्स को इस साल की मार्कशीट में औसत नंबर नहीं देने का विचार किया जा रहा है। जिन सब्जेक्ट के पेपर हो गए हैं सिर्फ उनमें नंबर मिलेंगे। इसके अलावा जिन सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं हुए हैं उनमें स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रमोट कर दिया जाएगा, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। इन स्टूडेंट्स को 2021 में सेकंड ईयर के नंबरों के औसत के आधार पर पहले साल के नंबर देकर मार्कशीट तैयार की जाएगी। इतना ही नहीं, यदि सेकंड ईयर में कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके सारे सब्जेक्ट के नंबर का औसत ही पहले साल के नंबर माने जाएंगे। पीजी के पहले साल के लिए भी यही फार्मूला तय किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, स्टे होम स्टे सेफ।